मैं हूँ प्रिया ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। आज उत्तराखंड का 19 साल पूरे हो गए, उत्तराखंड स्थापना दिवस के 19 साल पूरा हो गए, 20वां साल लग गया है। मेरी भाई बहनों, केंद्र सरकार ने हमारे लिए जो कुछ भी करा और ना करा ये तो सबको पता है। ये जो BJP सरकार है, इन्होंने बहुत से अच्छे काम भी करे हैं जो कि जनता के लिए हैं, जनता के लिए ठीक हुए हैं, और कुछ काम ऐसे हैं कि जो अटके हुए हैं। और हमारी जो राजधानी है, हम जो राज्य आंदोलनकारी हैं, और हमारी जो भावनाएं हैं, वो हमारा ऐसा था कि हम उत्तराखंड राज्य बनाएंगे और गैरसैंण में अपनी राजधानी बनाएंगे। परंतु BJP सरकार और कांग्रेस की सरकार दोनों आए, परंतु इस विषय में किसी ने राजधानी नहीं बनाई। हरीश रावत जी ने तो वहाँ विधानसभा बनवाई है, कुछ काम तो कांग्रेस ने अच्छे करे हैं, परंतु अब ये BJP सरकार है वहाँ राजधानी बनाने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि पहाड़ में हम लोग नहीं जा सकते हैं, पहाड़ में परेशानियां हैं और हम पहाड़ में ठंड में नहीं रहेंगे। कौन कहता है? इसको कहते हैं BJP सरकार तथा मुख्यमंत्री और उसके विधायक हैं। और फिर कहते हैं कि उत्तराखंड के लोगों के लिए कि पलायन मत करो, अगर तुम वहाँ उत्तराखंड में राजधानी नहीं बनाते तो तुम क्यों कहते हो उत्तराखंड के लिए कि पलायन मत करो? वहाँ नीचे महाराष्ट्र से, नीचे के 200 देशों से वहाँ से जानवर ले आए और उत्तराखंड के जंगलों में, उत्तराखंड में छोड़ दिए, जो कि शेर, बाघ, तेंदुए जो भी हैं घर के अंदर से बच्चों को उठा उठा के ले जाते हैं। और महिलाएं जो अपना आजीविका पूरा करने के लिए अपने खेतों में जाती हैं, अपने खुले स्थान में। हमारा उत्तराखंड ये बहुत अच्छा राजधानी है, खुले स्थान में, न तो डर है, न भय है, न कुछ भी नहीं है। हैं लाखों का जेवर पहन करके पूरे जंगलों में घूमती हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता, वो कोई भी डर भय नहीं है। पर इन आज राज्य का 19वां स्थापना दिवस है, हमारा कल से ये राज्य 20वें साल में प्रवेश कर जाएगा। आज इस 19वें राज्य स्थापना दिवस पर चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति ने यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया, हर्षोल्लास से मनाया, और यहाँ पर प्रेमनगर आश्रम के घाट पे 101 दिए जलाकर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दीपदान करके श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर जबरदस्त आतिशबाजी की गई और यहाँ पर ये राज्य स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य आंदोलन के मध्य एक शपथ ली गई थी, एक संकल्प लिया गया था कि जब तक राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं बन जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। तत्कालीन उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण का एक शिलापट भी गैरसैंण में लगाया गया था। तो आज चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति ने यहाँ पर पुनः अपना संकल्प दोहराया है, राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाए जाने की मांग को लेकर संकल्प लिया कि जब तक राजधानी गैरसैंण नहीं बनेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और शहीदों के भावनाओं के अनुरूप जो पहाड़ी राज्य था जिसके लिए उन्होंने अपनी शहादत दी थी, आज उस पहाड़ी राज्य का सबसे पहले राज्य की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए थी, वो नहीं बन पाई। जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य का विकास होना चाहिए था, आज विकास नहीं हो पाया। राजनीतिक दल अपने गैरसैंण के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, आज वो इसी कारण है कि आज 19 साल के पश्चात भी आज ये राज्य की स्थायी राजधानी अभी तक नहीं बन पाई। राज्य में इस समय, और राज्य में ही नहीं, आज जो है पूरे भारत में ट्रिपल इंजन की सरकार है। और मज़ेदार बात देखिए कि हम जिस जगह पे यहाँ पर प्रेमनगर आश्रम पे घाट पे खड़े हैं, ये घाट भी आज उत्तर प्रदेश के अधीन है, और जितने भी यहाँ पर घाट हैं, गंगा है, नहर है, सब उत्तर प्रदेश के अधीन है। अभी तक 19 सालों में राज्य का बंटवारा नहीं हो पाया, तो हम मांग करेंगे प्रधानमंत्री जी से, जो कि बड़बोले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने कि विधानसभा से चुनाव से पूर्व परेड ग्राउंड में ये कहा था कि अगर तुम हमें यहाँ पर उत्तराखंड में राज्य की भाजपा सरकार बनाओगे, हम तुम्हारी पूरी मांगें पूरी करेंगे। और इसी तरीके से लोकसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने पिथौरागढ़ में कहा था कि अगर आप केंद्र में भाजपा की सरकार बन गई, हम तुम्हारी मांगों को पूरा करेंगे। तो आज हम कहना चाहते हैं, उत्तराखंड की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने आश्वासन दिए थे उनको पूरा किया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आप उत्तराखंड के बारे में सोचिए, उत्तराखंड राज्य
निर्माण के बारे में जो वायदे थे उनको पूरा करिए, ये हम नरेंद्र मोदी से मांग करना चाहते हैं।